नमस्कार, स्वागत है आपका भारत टीवी में। देव मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो निश्चित ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब मंदिर के पुजारी का देहांत हुआ और एक साल के बाद टीटीडीए ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा और घर में घुसे तो बॉक्स मिले दो लोहे के, जिसमें से एक किलो में 25 किलो वजन के सिक्के थे और लगभग 6.25 लाख रुपए उनके उस अकाउंट से बरामद, मतलब जो उनका बक्सा था वही उनका अकाउंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना तो उनका कोई बैंक बैलेंस था ना कोई सगा रिश्तेदार सामने आया। एक साल तक जो तिरुमाला के ट्रस्ट के लोग हैं उनके परिवार को खोजते रहे, वो नहीं मिला और उसके बाद सारे लोगों के होश उड़ गए। पूरी कहानी क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल त्रिपुरम तिरुमाला की पहाड़ियों के बीच में एक ट्रस्ट है, एक मंदिर है जहाँ पर ये दिवंगत पुजारी तिरुनिवासलु पूजा अर्चना करते थे और वहीं पर अपनी सेवाएं देते थे और एक साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल उन पहाड़ियों के बीच में कुछ उनकी संपत्ति थी, उसके बदले में जो TTDA है यानी जो उस ट्रस्ट की पूरी व्यवस्थाएँ देखता है, उन्होंने इनके लिए एक क्वार्टर दे रखा था और उसी में ये लोग ये जो पुजारी थे अपना रह करके जीवन यापन करते थे। लेकिन इनकी मृत्यु बीमारी से हो जाती है और उसके बाद एक साल तक पूरी कोशिश की जाती है कि उनका कोई सगा संबंधी सामने आए, लेकिन साहब जो निवासलू जी थे उनका कोई सगा संबंधी नहीं मिलता है। इसके बाद जो विजिलेंस की टीम है और जो अधिकारी वर्ग थे ट्रस्ट के, उन्होंने जब घर का ताला तोड़ा तो सबके होश उड़ गए। 6.25 लाख रुपए की नकदी और 25 किलो के सिक्के जब मिले तो सब सोचने पर मजबूर हो गए। खैर, यह घटना हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जो धन और दौलत है सब यही रह जानी है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ट्रस्ट ने सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया और वो जो मंदिर की संपत्ति उसमें उस पैसे को जमा करा दिया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं जो एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है कि जो शख्स है जो पुजारी थे उन्होंने पूरे जीवन भर मेहनत की होगी, पूरी कसमकस की होगी और पैसा यहीं का यहीं रह गया। खैर, इन सारी बातों के बीच में हमें सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छाई के साथ रहना चाहिए और वाकई जीवन को समझना चाहिए कि वास्तविकता में जीवन का सच क्या है।